मनरेगा घोटाले में आरोपी बैंक मैनेजर सहित तीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। पुलिस ने खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय पर छापा मारा, अधिकारी कर्मचारी भागे। दरअसल हम आपको बता दें कि पुनाना मनरेगा में करीब 10 करोड़ के गबन व धोखाधड़ी के आरोपियों की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल की कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मामले के आरोपी बैंक मैनेजर मुबीन, अंजुम व मैट अनीस ने न्यायालय नुहू में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। अदालत ने गबन व धोखाधड़ी के अपराध की संगीनता को देखते हुए तीनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उनके बाद बिछोर थाना पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुनाना के खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय पर छापेमारी की, जहाँ पर सूचना मिलते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस को छापेमारी में कर्मचारियों और अधिकारियों की खाली कुर्सियां मिली, वहीं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के दफ्तर पर ताला लगा हुआ मिला। बिछोर थाना प्रभारी तरुण दहिया ने बताया कि मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी की टीम ने बिछोर थाना के गांव सुनेड़ा में कैंडल सेट के नाम पर आए करीब 10 लाख रुपए के घोटाले के आरोप में पुनाना के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, BDPO, बैंक मैनेजर, नरेगा के ABPO, सहायक लेखाकार, जई व बैंक खजांची सहित 13 लोगों के खिलाफ गबन व धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था, जिस मामले की उनकी पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी मुबीन, बैंक मैनेजर अंजुम व मैट अनीस ने नूह की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल की कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसकी मजबूती से पैरवी करते हुए पुलिस ने अदालत से उनकी जमानत को रद्द करने की गुहार लगाई थी। अदालत ने गबन व धोखाधड़ी के अपराध की संगीनता को देखते हुए तीनों आरोपियों को जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि उनके बाद बिछोर थाना पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुनाना के खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय पर छापेमारी की, जहां पर सूचना मिलते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस को छापेमारी में कर्मचारियों और अधिकारियों की कुर्सियाँ खाली मिली, वहीं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के दफ्तर पर ताला लगा हुआ मिला। तो दोस्तों, अगर आपके गांव में भी मनरेगा कोई ऑफिसर कोई गबन कर रहा है, सरपंच गबन कर रहा है या कोई ऑफिसर गबन कर रहा है, तो आप भी शिकायत दीजिए, CM विंडो दीजिए और पुलिस थाने में शिकायत दीजिए, आप पत्रकारों को बताइए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसी तरह जिस तरह ये भाग रहे हैं, इनको भी भागना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा और रिकवरी भी होगी। दोस्तों, अगर आपके एरिया में यानी गांव में अगर कोई इस तरह का कोई वो करता है, तो आप तुरंत शिकायत दर्ज कराएं और अपना हक लें। वो आपका हक है, आप उसमें मजदूरी कर रहे हैं और आपको आपकी मजदूरी नहीं दी जा रही है, तो वो गबन ही है। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपके क्या राय, आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़। हतीम का मशहूर इलेक्ट्रो होम्योपैथी अस्पताल, जहां बिना इंजेक्शन ऑपरेशन के होता है इलाज, जैसे लकवा, गुर्दे या पित्त की पथरी, दमा, सांस, फेफड़ों की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, दिल की नसों में ब्लॉकेज या सूजन, बच्चेदानी में रसौली या गांठ, सफेद पानी, शुगर, VP, थायराइड जैसी बीमारी, जोड़ों का दर्द, डिस्क स्लिप, घुटने व कमर दर्द, पीलिया या पुराना बुनियादी बुखार, बवासीर या सेक्स समस्याएं, नामर्दी धात, शीघ्र पतन, बिना अंग्रेजी दवाओं के इलेक्ट्रो होम्योपैथी से केवल 100 रुपए में इलाज किया जाता है। यहाँ पर लाइफ केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सभी डिप्लोमा कोर्स जैसे BEMS, CMS, ED, DMLT, ANM, GNM जैसे नर्सिंग कोर्स कराए जाते हैं।